हेलो फ्रेंड्स, आज के मेरे वीडियो में हम पढ़ेंगे कि डाइमेंशनलिटी रिडक्शन क्या होता है। देखिए, डाइमेंशनलिटी रिडक्शन तो मशीन लर्निंग में ये एक इम्पोर्टेंट एरिया होता है, डाइमेंशनलिटी रिडक्शन। तो सबसे पहले हम ये जान लें कि मशीन लर्निंग क्या होती है। तो मशीन लर्निंग में क्या है कि मतलब जैसे हम ह्यूमन बींग्स धीरे धीरे हम जो वर्क करते हैं उससे हम फ्यूचर में लर्न करते हैं, लर्निंग हमारी होती है। सेम वे में अगर हम कंप्यूटर को लर्न करना सिखा देते हैं बिना किसी प्रोग्रामिंग के, क्योंकि कंप्यूटर से जो भी हम काम कराते हैं नॉर्मली वो प्रोग्रामिंग के थ्रू ही कराते हैं। कंप्यूटर जो वर्क करता है, हमने कोई प्रोग्राम राइट किया, उस प्रोग्राम में जो इंस्ट्रक्शंस हैं एज पर इंस्ट्रक्शन हमारा कंप्यूटर वर्क करता है। अगर हम मशीन लर्निंग में हम क्या करते हैं कि बिना किसी एक्सप्लिसिट प्रोग्रामिंग के धीरे धीरे जो डेटा अवेलेबल होता है उससे हमारा कंप्यूटर लर्न कर लेता है और वो फ्यूचर में रिजल्ट्स निकाल पाता है। अब देखिए, जो एक होती है हमारी प्रिडिक्टिव मॉडलिंग, मशीन लर्निंग के लिए हम प्रिडिक्टिव मॉडलिंग यूज़ करते हैं। प्रिडिक्टिव मॉडलिंग क्या होती है? एक प्रोबेबिलिस्टिक प्रोसेस होती है जो फ्यूचर के आउटकम्स को फोरकास्ट करती है कुछ प्रेडिकेटर्स के बेस पे। कुछ हमारे पास प्रेडिकेटर्स होते हैं, उन प्रेडिकेटर्स के बेस पे वो फ्यूचर में रिजल्ट्स बताती है। तो ये जो प्रेडिकेटर्स होते हैं बेसिकली फीचर्स होते हैं, और जो डेटा है उस डेटा के फीचर्स होते हैं, और उस फीचर्स में कुछ इम्पोर्टेंट फीचर्स होते हैं और कुछ अनइम्पोर्टेंट फीचर्स होते हैं। मान लीजिए हम ये फाइंड आउट करना चाहते हैं कि कोई लेडी है वो लैपटॉप खरीदेगी या नहीं खरीदेगी, तो हमारे पास बहुत सारा लेडीज़ का डेटा होगा। उस लेडीज़ के डेटा के बेस पे हम जो है अपने कंप्यूटर को जो लर्न कराएंगे उसको लर्न कराएंगे ताकि वो फ्यूचर में फोरकास्ट कर सके। हम किसी अननोन लेडी का डेटा दें और उस लेडी के डेटा के बेस पे वो बता दे कि इसके लैपटॉप परचेज करने की प्रोबेबिलिटी 90% है। तो जो मार्केटिंग एजेंट होगा उनको, क्योंकि वो उसके सॉफ्ट टारगेट्स हो गए कि ज़्यादा चांसेस है। तो देखिए, इसमें क्या होगा, मशीन लर्निंग में हमारा पहले हमारे पास में डेटा है, उस डेटा के बेस पे हमने अपने मॉडल को, जो प्रेडिक्टिव मॉडल है, उसको ट्रेनिंग दे दी। अब वो हमारा मॉडल ट्रेन हो चुका है, अब हम जो है उसको किसी का भी डेटा देंगे उन्हीं फीचर स्पेस में, तो वो कंप्यूट करके दे देगा कि यस ये लेडी परचेज करेगी या नहीं करेगी। तो जो हमारा मार्केटिंग एजेंट होगा वो उन लेडी ग्रुप पे ज़्यादा जो है वर्क करेगा जिनकी परचेज करने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। इसलिए जो हमारा प्रिडिक्टिव मॉडलिंग है ये प्रोबेबिलिस्टिक मॉडलिंग है। तो देखिए, अब डाइमेंशनलिटी रिडक्शन की बात आती है। तो डाइमेंशनलिटी रिडक्शन में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए हमारे पास बहुत सारा डेटा है जिसमें फीचर्स हैं, नेम है, एज है, उसके बाद उसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, वर्किंग या नॉन वर्किंग है, रूरल एरिया से बिलोंग करती है या अर्बन से बिलोंग करती है, उसका मोबाइल नंबर है, उसकी अदर इंफॉर्मेशंस हैं। तो अगर मान लीजिए हम पूरे के पूरा जो हमारा फीचर स्पेस है उसकी जितने भी डायमेंशंस है उसके डेटा की, कि उसने कहाँ से अपनी ये की है, एजुकेशन कहाँ से की है, ग्रेजुएशन कहाँ से की है, या उसका एरिया ऑफ एजुकेशन क्या है, तो ये बहुत सारे डायमेंशंस हैं। अगर हम पूरे पे वर्कआउट करेंगे तो जो हमारा डायमेंशंस क्योंकि ज़्यादा हो गई तो जो कंप्यूटेशन टाइम है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसलिए हम क्या करते हैं, हमें ये फाइंड आउट करने हैं कि इनमें से जो फीचर्स दे रखे हैं उसका नेम, एज, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एरिया, वर्किंग नॉन वर्किंग, उसमें कौन से फीचर्स हैं जो ज़्यादा अफेक्ट कर रहे हैं उसके इस डिसीज़न को कि उसको लैपटॉप खरीदना है या नहीं खरीदना, उनको हम फाइंड आउट करते हैं, उनको रिड्यूस कर देते हैं। मतलब सारे डायमेंशन स्पेस को कुछ इम्पोर्टेंट डायमेंशन स्पेस में ले आते हैं जिससे हम, ताकि बहुत इजीली प्रेडिक्ट कर सके कि यस हमारा जो अवेलेबल जो भी बंदा है वो खरीदेगा कि नहीं। तो इसके लिए इस चीज़ को बोलते हैं डायमेंशनलिटी रिडक्शन। तो देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमने ये हमारे ट्रेनिंग डेटा से जो है एनालिसिस करके धीरे धीरे ये पता कर लिया कि जैसे लेडी के केस में एक तो वो वर्किंग है कि नॉन वर्किंग, ये इन्फ्लुएंस कर रहा है, और प्लस जो है उसका एरिया ऑफ
एजुकेशन इफेक्ट कर रहा है और एक उसकी एज इफेक्ट कर रही है। तो ये तीनों ही फीचर्स जो हैं हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट फीचर्स हैं। हमने जो डाइमेंशंस थी उनको रिड्यूस कर लिया टू ओनली थ्री फीचर्स। और देखिए, एक होता है कि हम टू फीचर्स को मिला के एक नया फीचर भी बना सकते हैं। ये थ्री फीचर्स को मिला के ही भी हम एक नया फीचर बना सकते हैं कि उसको कुछ और नाम दे सकते हैं कि जो है, अगर उसका रिक्वायरमेंट ऑफ लैपटॉप, मतलब हम ये मान सकते हैं कि जिसको ज़्यादा उसका एजुकेशन, उसकी हायर एजुकेशन है प्लस वो वर्किंग है प्लस अगर उसका एज ग्रुप जो है 20 to 45 है तो रिक्वायरमेंट ऑफ लैपटॉप उसको ज़्यादा है, तो उसे एक हो गया रिक्वायरमेंट ऑफ लैपटॉप। और इन तीनों को कंबाइन करके वो एक फीचर बना लेगा रिक्वायरमेंट ऑफ लैपटॉप, और उसी से फिर आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो इसमें दो मेथड्स होते हैं, एक फीचर सिलेक्शन मेथड होता है डाइमेंशनलिटी रिडक्शन में, दो रिडक्शन टेक्निक्स होती हैं, टू कंपोनेंट्स, एक्चुअली उसमें टू कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है फीचर सिलेक्शन और एक होता है फीचर एक्सट्रैक्शन। तो देखिए, फीचर सिलेक्शन में क्या करते हैं कि जो हमारे एट्रीब्यूट्स हैं उनको जो है हम रिड्यूस करते हैं, एट्रीब्यूट्स को रिड्यूस करते हैं। और फीचर एक्सट्रैक्शन में हम क्या करते हैं कि जैसे हमारा जो डेटा हाई डाइमेंशनल स्पेस में है उसको लो डाइमेंशंस करते हैं। लो डाइमेंशंस कैसे करेंगे कि मान लीजिए हमारे जो इसके एट्रीब्यूट्स हैं वो बहुत सारे हैं, बहुत सारे जो है नेम, एज, जैसे नेम से कोई कंसर्न नहीं है तो नेम को हटा देंगे, एज मान लीजिए इम्पोर्टेंट है तो एज को रख लेंगे, एज और एजुकेशन को मिला के एक एक फीचर ले आएंगे या तो ये चीज़ होती है फीचर एक्सट्रैक्शन, कि जो हमारे फीचर्स हैं उनको हाई डाइमेंशनल स्पेस से लो डाइमेंशनल स्पेस में लेके आ जाना। क्योंकि जैसे मान लीजिए हमारे पास जितने कम फीचर्स होंगे उन फीचर्स पे स्टडी करना ज़्यादा इजी होगा एज कम्पेयर टू हाई फीचर्स में। और फीचर सिलेक्शन में क्या हो जाता है कि हमारे पास जितने भी फीचर्स हैं उसमें से हम थोड़े थोड़े फीचर्स लेते हैं और फिर उनकी एनालिसिस करके देखते हैं कि वो ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं या कम इन्फ्लुएंस करते हैं, और फिर हम बाद में फाइनली रिजल्ट पे पहुँचते हैं कि भाई हाँ हमारे ये फीचर्स हैं ये ज़्यादा इफेक्ट करते हैं। कि जैसे मान लीजिए कोई लेडी वर्किंग है तो उसके ज़्यादा चांस है लैपटॉप परचेज करने का, तो वो हमारा जो है मेन इम्पोर्टेंट फीचर हो गया, उस फीचर को हमने सेलेक्ट कर लिया। और फीचर एक्सट्रैक्शन में क्या है कि हम कंबाइन करके फीचर्स को और लो डाइमेंशनल स्पेस में ले आते हैं, तो प्रिंसिपल फीचर्स ले आते हैं कि ये ज़्यादा हमारे डेटा को रिड्यूस कर रहे हैं। अब देखिए, रिडक्शन ऑफ डाइमेंशनलिटी रिडक्शन का या रिडक्शन इन डाइमेंशनलिटी, इसके क्या एडवांटेज है? इसके एडवांटेज क्या है कि आपका जो कंप्यूटेशनल सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि जो आपका प्रडिक्शन फोरकास्ट टाइम है वो बहुत कम हो जाएगा। आपने एक बार अपना जो है डेटा क्योंकि रिड्यूस कर लिया है, उसके फीचर्स रिड्यूस कर लिए हैं, तो जो कंप्यूटेशनल टाइम है वो रिड्यूस हो जाता है। और इसकी जो एक ये है, आपका जो डेटा है वो कंप्रेस हो जाता है, स्टोरेज स्पेस आपको कम चाहिए होता है। इसमें क्या है कि जो रिडंडेंट फीचर्स होते हैं वो हट जाते हैं, वो रिमूव हो जाते हैं। ये एडवांटेज है डाइमेंशनलिटी रिडक्शन की। अगर हम डिसएडवांटेज की बात करते हैं तो इसमें देखिए कुछ डेटा लॉस हो सकता है। तो इसे जो है कभी कभी क्या होता है कि आपका जो है उसमें कोरिलेशन, आपके वेरिएबल्स के बीच में कोरिलेशन तो नॉन लीनियर होता है, बट आपका जो है कुछ जो ये डाइमेंशनलिटी रिडक्शन वाले फीच होते हैं, मतलब वो उसको लीनियर में कर देता है। जैसे पीसीए एक होता है, प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस, वो फीचर एक्सट्रैक्शन मेथड होता है जो आपके डेटा को लीनियर कोरिलेशन में ले ले आता है, तो कभी कभी वो अनडिज़ायरेबल होता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स।